दादा आ गए, टाइगर दादा आ गए, टाइगर दादा आ गए, दादा आ गए, हटो भाई हटो, हटो भाई हटो, हटो हटो भाई हटो, हटो भाई हटो, हटो हटो हटो, दादा को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए? नहीं ये नहीं, हाँ ताता कर दिया, राम राम कर दे, राम राम टाइगर, राम राम करो, राम राम करो। नो ओ प्रिया देख क्या घेर दिया तूने, ये छाए घेरी प्रिया पागल और उरो बेटा बखेरी छाए, किसने बखेरी? तू बखेरी दीदी, दीदी दीदी बखेरी से, हाँ क्या है अभी पोछा लगाऊंगी, दे डर रही है इससे, इससे डर रही है ये। सांप लो तो कोई होता है तो मेरे पास आ जा, आ टाइगर यही है, कहाँ है टाइगर? ओ देख प्रिया देख ऐसे टाइगर कहाँ है तू? देख कहाँ चुप रही है कंजरी, टाइगर कहाँ है तू? टाइगर ता गई मम्मी, गई मम्मी, गई गई मम्मी, गई पानी लेने, हाँ इतना सारा पानी लाएगा, हो क्या में लाएगी पानी टाइगर? सो टाइगर मेरी आज छोटी सी बाल्टी लेकर आई है, देखो टाइगर किसकी बाल्टी है ये? वो कह रही तीन बाल्टी है। और शाम के बज रहे हैं 4 और हमारे यहाँ आप मौसम देखो कैसा हो रहा है, आज हो रहा थोड़ा सा ठंडा मौसम, तो टाइगर को मैंने डबल सॉक्स डबल टोपे पहना के इसे भेज रही हूँ पानी लेने, क्योंकि काम तो करेंगी ना टाइगर, चिज्जी दे देना दे देना, एक दे दे, एक दे दे, ला मत हो क्या की चाय पत्ती की, तो तूने चीनी में डाल दी, चीनी डाल, चीनी में होगी दे, नहीं तो फिर इस छोरी खेल रही होगी कहीं छूट गई होगी, नहीं है पता होना फिर डाल दे तू, तो अभी तो डाल दे, नहीं है आइडिया, मैं हूँ आइडिया है या नहीं है? नहीं छोड़ दे, अभी एक भी नहीं डाला, छोड़ दे, मैं चाय पत्ती डाल दूँ, चीनी को डाल दूँ, ले बंद करके करी। तो हम बना रहे 4 बजे वाली चाय, तो हमारी चाय चढ़ी हुई है, अभी अदरक कूट के तिरिया इसमें डालेगी, और टाइगर तुम्हें पता ही है हमारे काम में धाम में अड़ंगा देती है, अड़ंगा ऐसे देती है, अड़ंगा कैसे देती है, अड़ंगा ऐसे मेरे पास आजा, आजा देख दोनों तरफ लूंब रही है, आजा अच्छा टाइगर काम में अड़ंगा कैसे देते हैं, देख ऐसे ऐसे देते हैं, कैसे देते हैं काम में अड़ंगा दे रही मेरी लड़की, देखो कैसे ऐसे
ओ आ जा गुड्डू आ जाओ। कम 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 बांदर कम बांदर कम बांदर कम इंसान ज़्यादा इंसान ज़्यादा इंसान ज़्यादा। टाइगर बांदर कम बांदर कम इंसान ज़्यादा इंसान ज़्यादा इंसान ज़्यादा। टाइगर ऐसे करियो पड़ गई है लैंग दी। इधर आ कपड़े नीचे करो, इधर ला कपड़े नीचे करो जीजी के। आ जा लगी लगी ओ मिले लगी लगी भाई मारी से मार मार ओ भाई पे लगी दिखा। लग गई कह रही गिर गई मैं लग गई बस। आगे भी मसल ऑफ इसके मम्मी दीदी दीदी ओ आजा 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 मारेंगे आजा क्या हुआ मम्मी हाँ दोनों शिकायत लगाने लगे मेरे को है ना किसके सुनो अब देगी तेरे ये ले सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल उर्वी गुजर ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ी। सो मैंने सामान ले लिया है। सो मैंने इसमें ले लिए हैं 3 आलू और 5-6 प्याज। प्याज मुझे अभी और डालनी है इसमें। सो प्याज मैंने इसमें और डाल दी है। तो मैं जब तक पकौड़ी का बेस कर लेती हूँ मैं तैयार। सो आप लोग भी आ जाइए और कड़ी पकौड़ी खा लीजिए। और कड़ी पकौड़ी के लिए मैंने अभी बेसन इसको मैं साफ़ करूँगी थोड़ा सा और छाए में थोड़ा सा गला के रख दूँगी जिससे कि वो अच्छे से मैश हो जाएगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं जाइएगा मत। तो आज बनाते कड़ी पकौड़ी। सो किस किस के मुँह में पानी आया कड़ी पकौड़ी का नाम सुन के तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बने रहिएगा ब्लॉग में और कहीं जाइएगा मत। तब तक के लिए टेक केयर। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने कड़ी का बेस बना लिया है, ठीक है। और ये मैंने चढ़ा रखा है पतीले में सामान। और ये कड़ी का बेस मैं भी बनाऊंगी थोड़ी देर में। सो और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये लगा दिया मैंने कड़ी का तड़का, और आज मैं बनाऊंगी पापा की फेवरेट डिश जो कि है कड़ी और बाजरे की रोटी। तो कड़ी मैं ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, यानी कि छौंका लगा दिया है और पकौड़ियों का बेस बना हुआ रखा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करूँगी। तो इसमें मैं मिलाऊंगी बेसन, नमक, मिर्च और हल्दी, क्योंकि आज मेरे टाइगर ने फरमाइश करी है कि मुझे पकौड़ी खानी है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो लड़के भी बोलती नहीं है, तो उसने फरमाइश कैसे कर दी? तो मैंने उससे जस्ट पूछा था कि टाइगर पकौड़ी बना दूँ, कह रही मम्मा हाँ। सो मेरी बेटी को खानी है आज पकौड़ी, सो उसके लिए तो भाई बनाएंगे हम। ये जिंदगी की राह में चलता चला गया। तो ये मैंने डाल लिया है स्वाद अनुसार नमक, और नमक थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा तेज रखेंगे तो पकौड़े में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि बेसन डालने के बाद ना वो मिक्स होने पर थोड़ा कम हो जाएगा नमक। सो यहाँ मेरी पक रही है कढ़ी, और अब मैं डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा बेसन। तो बेसन मैंने ऑलमोस्ट छान के रखा था, क्योंकि दुकानों पे ऐसे ही आता है, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ भी बच्चे खराब खाए। सो जब तक मैं इसको मिलाऊंगी नहीं अभी थोड़ी सी देर, क्योंकि मैं चढ़ाऊंगी तेल। तो मैं चढ़ा लेती हूँ तो
सो कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आप देख रहे होंगे। सो इसमें मैं डाल लेती हूँ, ये गाढ़ी बनी है क्योंकि मैंने ना इसमें बेसन ज़्यादा डाल दिया था और चाय भी ज़्यादा थी थोड़ी सी। सो मेरी पकौड़ी तो ऑलमोस्ट बन के तैयार है ही है, और मैं जो पूरा मैंने रसोई क्लीन कर दी, देख सकते हो आप, मैंने सारे बर्तन निकाल के बाहर रखे हैं धोने के लिए। और ये मेरी कढ़ी जैसी ही बन जाती है तब मैं बुलाऊंगी अपने बच्चों को, पहले खिलाऊंगी उनको थोड़ी सी पकौड़ी, फिर डालूंगी सब्जी में। तो बच्चों के लिए मैं निकाल देती हूँ अलग थोड़ी सी पकौड़ी, बच्चों के लिए और पापा के लिए। ये मैं बच्चों के लिए निकाल देती हूँ और ये पापा के लिए, तो इसी में से हम खा लेंगे और बाकी बढ़ा लूँगी सब्जी में। सो, कैसी लगी आपको मेरी कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी? सो, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें हमारा वीडियो एंड ब्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये मैंने डाल दिए हैं कढ़ी में पकौड़ियाँ, सो आप देख रहे होंगे। सो कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं कर देती हूँ गैस बंद। सो अब आप लोग देखना कि टाइगर पकौड़ी खाने के लिए कितने बेचैन है। सो ये मैं एक गुड्डी को दे देती हूँ, ये वो तेरी ही मेरी है ना। सो टाइगर लो जी पकौड़ी खा लो, पकौड़ी खा लो, नहीं गुड्डी तू ले लो, ये तू खा लो, आ करो खाओ ऐसे, हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो खाओ। सो मेरे टाइगर को ना पकौड़ी बहुत पसंद है, टाइगर अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है। आप इसके फेस के रिएक्शन देख के अंदाजा लगा रहे होंगे, इसको बहुत पसंद है मेरे बेटा को। और पापा जी को मैं बाहर ही दिया ही, और ये हमारी गुड्डी छोटी सी गुड्डी खा रही है, और प्रिया भी ले, प्रिया तो इन्हें भी रखी बेटा सर रसोई में, तो ये दोनों ही सीखी और एक मेरी है, फिर एक मेरे को दे दे। अच्छा ये देख पन्नी खाएगा। सो जब तक टाइगर और प्रिया और गुड्डी और पापा खा लेते पकौड़ी, सो आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। सो पापा और प्रिया जब खाने बैठेंगे ना तभी बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी। सो एक पकौड़ी मेरे को दे दे, बाकी तो खा लो। यम्मी है, बता दो भाई कैसी बनी है, एक नंबर। पापा को मैं बाहर ही देख रही हूँ। सो अब फिर अगर मुँह चल रहा है कोई देखेगा वीडियो तो कहेगा पकौड़ी खा रही है अकेले अकेले। सो मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी, जिसके लिए कि मैं आटा छान रही हूँ। सो मैं सिर्फ पापा और प्रिया के लिए ही बनाऊंगी बाजरे की रोटी, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है। नहीं मिला, नहीं ये तो रहने दे।
मैं बेटा काम करने वाला हो गया, तुम्हारा क्या है कंजरी इसको मार कर ऐसे धक्का दे। ओ या कर दे कि बेटा पार खेलियो अच्छी तरह धोखे आएगी बंदा घर तक भी ना पहुंचे। देख